पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ मुखर हो गया है। पिछले 3 सालों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक संघ आंदोलनरत है, परंतु सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ महामंत्री उमेश सिंह नेगी ने कहा कि पिछले 3 सालों से हमारा संघ इस दिशा में सरकार से वार्ता कर रहा है, परंतु सरकार ने अभी तक हमारी मांग पर विचार नहीं किया है। उन्होंने आगे आंदोलन को गति देने की बात कही है। टीम यूकेलाई। सर, हमारी पुरानी पेंशन से संबंधित मांगे हैं। हम विगत 2-3 वर्षों से इस संबंध में, क्योंकि पूर्व में हमें इस बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं थी कि हम पेंशन के दायरे में, लेकिन जब हमने, बल्कि इससे पूर्व हम जब परीक्षा परिणाम के लिए भी हमने आंदोलित हुए थे बीटीसी यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ पे, हमने कहा था कि भाई हमारा परिणाम जल्दी घोषित करें, लेकिन वो सरकार की या शासन की मंशा के अनुसार वो सही हो नहीं पाया। लेकिन हम लोग पुनः, क्योंकि हमारा जो ये प्रकरण है, एक जिले को पेंशन में, पुरानी पेंशन में लिया गया, जिला चंपावत और कुछ अल्मोड़ा के भी इसमें पेंशन, पुरानी पेंशन में आ रखे हैं, और हम लोग यही चाह रहे हैं। 2 साल से हम लगातार, 2-3 साल से लगातार सौहार्दपूर्ण तरीके से सरकार से विनय अनुनय कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को समझा है कि समान नीति के अनुसार सभी को पेंशन में लाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी 6-7 जिलों को इस परिप्रेक्ष्य में सीधा सा फैसला दिया है कि ये पेंशन के पात्र हैं, पुरानी पेंशन में इन्हें लिया जाना चाहिए। कितने लोग हैं? हम लोग पूरे प्रदेश में सर कम से कम 1400 के करीब हैं, और जिला टीरी में 227 लोग हम इस उसमें हैं, पुरानी पेंशन के दायरे में हैं। तो मैं यही डिमांड पुनः सरकार से करूंगा, क्योंकि सरकार भी सौहार्दपूर्ण वातावरण से हमें वो कर रही है, संतुष्ट कर रही है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया ये लंबी हो गई है, हम चाहते हैं कि इस पर शीघ्र ही अब पटाक्षेप हो जाना चाहिए, हमें पेंशन के दायरे में शीघ्र ही ले आना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरी नहीं होती है सर, तो हम हिंसात्मक तरीके से पूरे प्रदेश में फिर आंदोलित होने को मजबूर होंगे, और हमारा ये मकसद कतई नहीं है। हम समझ रहे हैं कि सरकार भी इस चीज़ को हमारे परिप्रेक्ष्य में ला, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है कि धीमापन आ रखा है। तो त्वरित गति से अगर ये कार्य होता तो लगभग 3 साल का 1 साल में ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाना था। तो हमारा यही निवेदन है कि इस परिप्रेक्ष्य में शीघ्रता से हमें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए।